हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निहंटा से लेट डिजाइन। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गोटे वर्क की फैब्रिक दिखा रही हूँ जो कि टिश्यू पे है और ओपारा सिल्क पे। ओपारा सिल्क होती है जो कि जिसका आप अगर कुर्ती वगैरह बनवाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। वो बड़ी फिटिंग जो होती है ना, उसके नीचे बस आपको अगर लाइनिंग यूज़ करनी है तो कॉटन की लाइनिंग यूज़ करनी है, तो ओपारा सिल्क की बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ओपारा सिल्क की दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं येलो कलर ओपारा सिल्क, बहुत खूबसूरत येलो है और इस पे देखिए आप पूरे गोटे वर्क है। तो आप ये पास से भी देख सकते हैं कि पास से कैसी लग रही है। तो ये जो है लेमन येलो है, आप ये देखिए, आपको शायद ये कॉम्बिनेशन समझ आ रही होगी। और वो जो है वो पिंक कलर है, मैंने इमेज रेफरेंस के लिए यूज़ कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो फैब्रिक है वो ये है। अगर किन्हीं को इसके साथ कॉम्बिनेशन करनी है, तो अगर आप चाहे तो जैसे 1.5 मीटर ये ले लिया और 1 मीटर प्लेन ले लिया बैक के लिए, और पिंक सलवार के साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसका एक ये कॉम्बिनेशन है, देखिए। और मैं इसका ही आपको पिंक कलर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसी शेप में, ये डिजाइन में बनेगी आपकी सूट वगैरह जो बनेगी वो इसी डिजाइन में बनेगी। तो ये पिंक कलर है और इसके जो अदर कलर्स है वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं। तो एक ये हो गई, ये ओपारा सिल्क है। और मैंने अपने डीपी में दुपट्टा लगा रखे थे, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि वो किस तरीके से दिख रही है, तो वो ऐसी है, देखिए। तो ये जो है वो टिश्यू पे है, टिश्यू पे ही फ्लावर का काम है, तो आप ये देखिए, तो टिश्यू पे। और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, अगर किसी को सूट वगैरह बनानी है तो वो भी बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से काम है पूरे फैब्रिक पे, और ये दुपट्टे का फैब्रिक है। तो मतलब बेसिकली दुपट्टे के लिए ही मैंने लिया है। अगर आप चाहे तो आप सूट बना सकते हैं, साड़ी तो नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी। मतलब बिल्कुल भी ऐसे होते ना, बहुत फुले फुले से होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं साड़ी के लिए नहीं करूँगी। अगर कोई लेते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये वो फैब्रिक है जिससे मैंने डीपी लगा रखा था, बहुत लोगों ने पूछा था। और इसका अगर रेट जानना है दुपट्टे का, तो इंस्टाग्राम पे मेंशन है इसका रेट, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और लेना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक और चिनॉन पे गोटा पट्टी दिखा रही हूँ, आप ये देखिए। ये जो अनियन कलर होती है ना, जो बोलते पेस्टल कलर का, ये तो वो पेस्टल कलर है ये, और इस पर इस तरह से गोटे का काम है, तो आप ये देख सकते हैं। तो बेसिकली जो फैब्रिक है वो इस तरीके से है, और ये चिनॉन पे है। तो मैंने एक रेफरेंस के लिए दुपट्टा ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका दुपट्टा भी आप बना सकते हैं, और इनफैक्ट आप इसकी साड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि चिनॉन बहुत हैवी नहीं होती है, और हल्के से पतले से बॉर्डर के साथ, पतले से गोटे पट्टी के बॉर्डर के साथ, एक ब्लाउज कॉम्बिनेशन के साथ भी आप ये साड़ी बना सकते हैं। तो एक ये हो गई, ठीक है। और मैं आपको इसी में एक टिशू भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये टिशू है, टिशू सिल्क जो होती है ना ये, इसके मैं बहुत सारे जो डिज़ाइन है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आपने सिल्क का कुर्ता देखा है, बहुत ही जितने भी ब्रांड होते हैं उनकी एक सिल्क की कुर्ती होती है, वो बहुत अलग रेट के होते हैं, बहुत हाई रेट के होते हैं। वो वही प्योर जो सिल्क होती है ना, प्योर सिल्क टिशू, वही है ये सब। तो मेरे पास तो बहुत, मैंने कम ही लिया है, क्योंकि ये वाकई में कॉस्टली कपड़े होते हैं, इसको मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाई। तो इसके बहुत सारे 2-3 डिजाइन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये गोल्डन पे है, मतलब थोड़े ऑफ वाइट पे है, तो आप इसके नीचे लाइनिंग यूज करके और बहुत ही खूबसूरत कुर्ता बना सकते हैं। तो ये बेसिकली उस टाइप की फैब्रिक है जो कि कुर्ते वगैरह के लिए बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये गोटे पट्टी में से आपको कुछ भी लेना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।